आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नारायणपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर काड़ेनारा इलाके में आईटीबीपी के जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात थे, जहां कैंप में आपसी विवाद इतना बड़ा कि उन्होंने आपस में ही गोलीबारी शुरू कर दी। घटना की पुष्टि करते हुए एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि बुधवार की सुबह कैंप में जवानों के बीच आपस में गोलीबारी होने से 6 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया है। मरने वाले जवानों में शामिल कांस्टेबल मसूदुल रहमान ने ही गुस्से में आकर फायरिंग शुरू की, जिससे सभी जवान मारे गए। आखिर में रहमान ने खुद को भी गोली मार ली। मरने वाले जवानों के नाम हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल दलजीत सिंह, कांस्टेबल मसूदुल रहमान, कांस्टेबल सुरजीत सरकार, कांस्टेबल विश्वरूप महतो, कांस्टेबल बिजेश बताए गए हैं। नारायणपुर जिले के खड़ेनार आईटीबी कैंप में एक जवान अपने बाकी साथियों के ऊपर गोली चला लिया। उस घटना में टोटल 5 आईटीबीपी जवान का मृत्यु हुआ और 2 लोग घायल हुआ है। घायलों का भी बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किए गए थे और बाकी उस घटना का अंजाम देने वाले जो आरक्षक हैं उनको भी इस घटना में डेथ हुई है। अभी पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के कमांडेंट आईटीबीपी स्पॉट में गई हुआ, वो लोग पूरा जांच पड़ताल कर रहा है किस परिस्थिति में घटना हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इशारे इशारे में बहुत कुछ कह दिया है। पवार ने कहा एनसीपी के पास कांग्रेस से 10 सीटें ज्यादा हैं। शिवसेना को सीएम पद मिला और कांग्रेस को स्पीकर मिला, मेरी पार्टी को क्या मिला? डिप्टी सीएम को कोई अधिकार नहीं है। इस बात के जरिए पवार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेस और एनसीपी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। एक टीवी चैनल के दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हमारी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही थी। ये बैठकें बहुत लंबी लंबी चलती थी और दोनों पक्षों के नेताओं की ओर से भारी बहसबाजी होती थी। इससे अजीत पवार को लगा कि ऐसे तो सरकार बनाना और चलाना संभव नहीं है। तब शिवसेना तो इस बातचीत में शामिल भी नहीं हुई थी। यही कारण है कि उन्होंने भाजपा से संपर्क साधा, जिसकी जानकारी मुझे थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वे देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए इतना आगे तक बढ़ जाएंगे। पवार ने कहा कि कांग्रेस का रुख ठीक नहीं रहा, जिसके कारण अजीत पवार को यह कदम उठाना पड़ा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के 15 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी, तब हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो 28 नवंबर को जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय ने पीठ की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और अब अदालत ने चिदम्बरम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। पिछली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि चिदम्बरम हिरासत में होने के बावजूद महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। इस पर चिदम्बरम के वकील का कहना था कि जांच एजेंसी का यह आरोप निराधार है और वो ऐसे आरोप लगाकर पूर्व वित्त मंत्री की प्रतिष्ठा बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदम्बरम की जमानत याचिका का विरोध किया था। तुषार मेहता ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक गंभीर अपराध है, इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है बल्कि पूरी व्यवस्था के प्रति आम जनता का विश्वास भी डगमगाता है। गंभीरता ऑफेंस की, विशेष रूप से आर्थिक ऑफेंस होने की बात, इन सब मुद्दों को व्यापक रूप से देखते हुए संतुलित रूप से समझकर फिर उच्चतम न्यायालय ने ये बेल जारी की है। हम समझते हैं कि मानव अधिकार के लिए ये बहुत बड़ा स्तंभ है। इसमें 2-3 मुख्य बिंदु ये हैं कि ट्रिपल टेस्ट यानी भगोड़ा नहीं होना, हस्तक्षेप नहीं करना एविडेंस में, दस्तावेज में, और उसके बाद ये दिया गया है। मैं समझता है कि न्याय हुआ है, अच्छे से न्याय हुआ है, संतुलित न्याय हुआ है और हम इसका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया था कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, मगर किसानों के जमीनी हालात कुछ और ही बयां करते हैं। अब सरकार को वक्त चाहिए। सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमारे पास पेड़ नहीं जो हिलाने से पैसा आ जाएगा। किसान कर्ज माफ नहीं होने से ठगा हुआ महसूस तो कर ही रहा है, साथ ही दूसरी ओर बीमा योजना में उलझा हुआ है। हमारे पास कोई बेर का पेड़ तो है नहीं कि उसको लगाए पैसा निकले आए। जब हमारी आर्थिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी खोखला कर गई है, धीरे धीरे हम आमदनी कर रहे हैं, खर्चे अपने कम कर रहे हैं और खर्चे कर करके सरकार जो किसानों को भुगतान कर रहे हैं। हम
किसान को कुछ मिला है तो वो है सिर्फ धोखा। ये तस्वीरें सरकार के सभी दावों और वादों की हकीकत बयां कर रही हैं और बार बार सरकार को चुनावी वादों को याद कराने की कोशिश कर रही हैं। अब किसान सरकार की मंशा पर शक करने लगा है कि यह चुनावी वादा हकीकत में बदलेगा या नहीं, या इस सरकार के 5 साल यूं ही कट जाएंगे। इन तस्वीरों में दिख रही ये लंबी लाइन किसानों की है, किसानों के परिवारों की है, उनके बच्चों की है। ये लोग यूरिया के लिए लाइन में घंटों खड़े हैं और घंटों के इंतजार के बाद महज एक बोरी यूरिया ही मिला, जबकि जरूरत 3 से 4 बोरी की थी। यूरिया ले भी आ रही है। कितना यूरिया मिला है? यूरिया ही पूरी मिल रही है आधार कार्ड पर। आपको जरूरत कितने की है? अब जरूरत तो मुझके की है। एक ही बोरी मिल रहा है? दो पाँच बोरियों की जरूरत है गेहूँ की। बहुत चल रही है। क्या परेशानी हो रही है यूरिया लेने? परेशानी तो हो रही है, परेशानी सब पशु की हो रही है। काई की लाइन में लगे हो? यूरिया की। यूरिया लेने आए? मिल रहा है यूरिया? मिल रहा है। कितना लेने आए हैं यूरिया? तो मुझको चाहिए एक ही बोरी दे रहा है। एक बोरी मिल रहा है? कहाँ से आए हैं? किसान किस कदर परेशान है ये तस्वीरें बता रही हैं। एक ओर जहां कांग्रेस के मंत्री ये कह रहे हैं कि भरपूर यूरिया है, यूरिया की कोई कमी नहीं है, पिछले वर्ष से 1,20,000 मैट्रिक टन यूरिया अधिक दिया है, किसानों को जरूरत की यूरिया आसानी से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 1,20,000 मैट्रिक टन जो है अधिक विक्रय करने का काम जो है हमने इस वर्ष में किया है, और आने वाले 10 दिनों में 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक लगभग 2,00,000 मैट्रिक टन जो है यूरिया हमारे विभिन्न जिलों में पहुंचाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं, और पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास यूरिया और खाद की है, और हमारे किसान साथियों को जो है किसी प्रकार की जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी मांग के अनुसार जो है पर्याप्त यूरिया जो है आपको उपलब्ध। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों को पर्याप्त यूरिया ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। रात रात भर किसान लाइन में लगा है, फिर भी यूरिया नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि ना तो किसानों का कर्ज माफ हुआ, ना ही बीमा योजना का लाभ मिल पा रहा है, और ना ही किसान को फसल का बोनस मिला। मध्य प्रदेश का किसान पहले से ही परेशान था, कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, गेहूं का बोनस अब तक नहीं दिया, सोयाबीन का, मक्के का, धान का बोनस किसान को मिला नहीं, मूंग और उड़द का बोनस नहीं मिला, राहत की राशि नहीं मिली। लेकिन अब तो हद हो गई, रबी की फसल के लिए यूरिया के लिए चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। रात रात भर किसान लाइन में लगा रहता है। अब तो बहनें लाइन में लग रही है, बच्चे लाइन में लग रहे हैं, तब जाके संगीनों के साए में एक बोरी दो बोरी खाद मिलती, दो दो तीन तीन दिन से लोग परेशान हैं। और जब किसान अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में जगह जगह ऐसे ही हाल है, किसान परेशान है और सरकार कुछ कर ही नहीं रही, या फिर कुछ करना ही नहीं चाहती। सरकार बनने के कुछ माह बाद ही मध्य प्रदेश में यूरिया की ऐसी किल्लत हुई कि अफरा तफरी मच गई। रवी की फसल को बचाने के लिए किसान अब सब काम छोड़कर यूरिया की लंबी लंबी लाइनों में लगा है। कैसे भी यूरिया मिल जाए और फसल को बचाया जा सके। अब कांग्रेस केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रही है और बीजेपी राज्य सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रही है। पर इन किसानों की क्या गलती जो राजनीति के नफा नुकसान का खामियाजा भुगत रहे हैं। नेताओं से एक ही विनती है कि किसान देश का अन्नदाता है, ऐसे में जरूरी यह है कि सियासत और राजनीतिक फायदे के नाम पर उनसे खिलवाड़ ना हो। अभी चूंकि रबी सीजन का बोनी का टाइम आ गया है, नेचुरली है कि किसानों को जरूरत है, इसलिए थोड़ी भीड़ लग रही है, लेकिन हम इसको शीघ्र ही व्यवस्थित कर लेंगे, और ताकि किसानों को किसी प्रकार का या भीड़ लगाने का या लाइन लगाने की नौबत ना पड़े। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर यूरिया खाद को लेकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सरकार में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। कमलनाथ सरकार कहती है केंद्र से परेशानी है,
प्रदेश की सरकार को केंद्र से फोबिया हो गया है। अगर यूरिया की कमी है तो काला बाजारी में यूरिया कैसे मिल रहा है ये सरकार को बताना चाहिए। ब्लैक में यूरिया चाहिए तो कहाँ से आ जाता है। किसानों के कर्ज माफी पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि 10 महीने में 10 किसानों का भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। जिनको 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है वो मुझे टीवी पर लाकर दिखा देना, मैं उनके गले में माला डालूंगा। वो जो भी बोलना है बोलते रहे, लेकिन मैं चाहूंगा कि 10 महीने के 10 किसान जिनका 2 लाख रुपया कर्जा 10 दिन में माफ हुआ हो वो टीवी के सामने लाके दिखा दें, मैं स्वयं माला डालने जाऊंगा उनको। प्याज की बढ़ते दामों और बढ़ रही किल्लत को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में प्याज की कमी है तो प्याज ब्लैक में कहां से आ रहा है। इस सरकार में गरीब को सस्ते दामों पर प्याज नहीं दी जा रही। हमारी सरकार में प्याज की कीमतें हमने कम की थी। किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। बीजेपी के चुनाव संगठन को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है, जल्दी ही नामों का ऐलान होगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूं, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और उससे संतुष्ट हूं। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के संसद में नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले। आरिफ मसूद और उनके कार्यकर्ताओं को एमपी नगर में ही रोक लिया गया। दूसरी ओर सुबह से भाजपा कार्यकर्ता अपने हाथों में डंडे लेकर प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हो गए। उनका कहना था कि हम कांग्रेसियों को जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। उधर प्रदर्शन के इस मामले में कोई भी बड़ा कांग्रेस नेता शामिल नहीं हुआ। इस प्रदर्शन का ऐलान खुद विधायक आरिफ मसूद ने ही किया था। हालांकि मसूद के प्रदर्शन का कोई हल नहीं निकला। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मामले पर आक्रामक नजर आई और विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी साध्वी प्रज्ञा को धमकाना बंद कर दे। भारत की बेटी ये शेरनी है, भारत की बेटी ये दुर्गा है, भारत की बेटी ये काली है, भारत की बेटी ये सरस्वती है। चाहोगे तो विद्या दे देगी, लेकिन अपराधी अगर बनोगे तो ये दुर्गा बनकर आपके खिलाफ संघर्ष का भी बुगुल बजा सकती है। इसलिए भारत की बेटियों को जलाने के शब्द बोलना कांग्रेसी और बंद करो। अवे नैना साने तंदूर कांड करना बंद करो। सरला मिश्रा को आग में जलाना बंद करो। प्रज्ञा ठाकुर को मामूली मानकर जलाने की धमकी मत देना। ये भारत की हिंदू और भगवा शेरनी है, ये तुमको मुंह तोड़ जवाब भी देगी और ये तुम्हारे द्वार पर भी आएगी। जलाकर दिखाओ, आप इसको जला नहीं सकते। ये वो है जो भारत के लिए लड़ती और मरती रही। कनाड़िया थाना पुलिस ने पत्नी का तकिए से दम घोटने और उसे सांप से काटा बताकर हत्या करने का खुलासा किया है। 1 दिसंबर को संचार नगर में शिवानी पटेरिया पति अमितेश पटेरिया की सांप के काटने से मौत हो गई थी। सूचना मिली थी कि शिवानी का पति अमितेश और किरायेदार निखिल उसे MY अस्पताल लेकर आए थे। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पति और परिवार वाले यही कहते रहे कि सांप ने उसे काट लिया, लेकिन पोस्टमार्टम में यह सामने आया कि महिला की गला घोट कर हत्या की गई है और इसके बाद उसके हाथ में मरे हुए सांप के दांत गड़ाए गए। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि शिवानी और उसके पति अमितेश में विवाद होता रहता था। हत्या के इस षड्यंत्र में अमितेश, उसके पिता ओम प्रकाश पटेरिया और बहन ऋचा चतुर्वेदी शामिल थी। संचार नगर कॉलोनी स्थित जो मृतिका शिवानी है उसके PM कराया गया था। उसके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जो जहर काटने से उसकी मृत्यु बताई जा रही है, सांप के काटने से मृत्यु बताई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं पति का हाथ है। इसमें हम लोगों ने बारीकी से PM कराया और जांच और पड़ताल की गई। उसमें बात सामने आई कि शिवानी का पति अमितेश, उसकी ननद और ससुर ने मिलकर एक षड्यंत्र अंजाम दिया है। प्लानिंग के तहत आरोपी अलवर राजस्थान से 5,000 रुपये में ब्लैक जेट कोबरा खरीद कर लाया था। इसे 11 दिनों तक अलमारी में छिपाए रखा। इसके बाद 1 दिसंबर को अमितेश ने अपने बच्चों को उनके दादा ओम प्रकाश के साथ घूमने भेज दिया। तभी अमितेश ने शिवानी के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम खोद दिया और फिर सांप को मारकर उसके दांत शिवानी के हाथ में गाड़ दिए। इसके बाद अमितेश बाहर निकला और चिल्लाने लगा कि पत्नी को सांप ने काट लिया है। फिर शिवानी को लेकर उसका पति अमितेश और पड़ोसी MY अस्पताल पहुंचे और बताया कि सांप के काटने से मौत हुई है। प्रदेश में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। गाडरवारा में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले किसानों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कमलनाथ सरकार की नीतियों के विरोध में किसानों ने मुंडन करवाया।
सरकार की आंखें खोलने और चेताने का प्रयास किया है। किसानों को हर बार कभी मौसम की मार तो कभी सरकारी तंत्र की बेरुखी का सामना करना पड़ता है। किसान बर्बादी की कगार पर है, किसान तंग आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही, न लागत मूल्य फसल का निकाल पा रहा है और ना ही किसान को कोई भी सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। किसान पूरी तरह त्रस्त और परेशान हो चुका है। हम इसे मुंडन करा रहे हैं कि हम किसान लोगों की मांगे हैं और 12-14 मांगे हैं, उसके कारण से हम मुंडन करवा रहे हैं और किसानों की जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक अनिश्चितकाल पर हम धरना रखेंगे। मुख्य मांगे जो हैं वो क्रांति धान 2500 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए, ऊषा बासमती 3000 के आसपास बिकना चाहिए, 41 के आसपास बिकना चाहिए, गन्ना 350-350 रुपया क्विंटल गन्ना बिकना चाहिए और गन्ने पर 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस मिलना चाहिए और काला बाजार आदि के संबंध में हमने धरना नहीं धरा है। शासन के आज शासन प्रशासन के खिलाफ में हमने मुंडन कराया है ताकि पूरे देश में ये मैसेज जाए कि किसान समाज बहुत बुरी स्थिति में है और आज किसान की स्थिति जो है कि भींग मांगने की स्थिति में किसान आ चुका है। ये सब परिस्थितियों को लेकर ये सब मजबूरियां हो गई हम लोगों को करने के लिए। किसान लोगों को जो समर्थन मूल्य वाजिब मूल्य नहीं मिलने के कारण ये शासन की नीतियों के विरोध में हम लोग बैठे हुए इधर। SDM ने बताया कि जो भी मांगे किसानों द्वारा ज्ञापन में की गई हैं उन्हें संबंधित विभाग और अधिकारियों को भेज दिया गया है, मुख्य मांगों को तत्काल पूरा किया जाएगा। देखिए कल पूर्व मंडी उपाध्यक्ष और किसानों के प्रतिनिधि दर्शन सिंह जी ने जो है ज्ञापन सौंपा था। ज़्यादातर जो मांगे नीतिगत मांगों से संबंधित थी तो जो ज्ञापन था वो हमने संबंधित विभाग और जिले को भिजवा दिया है और जो तात्कालिक फौरी तौर पे जो शिकायत थी उनका तत्काल निराकरण भी मौके पे कराया गया था। जहाँ तक मुंडन का प्रश्न है, ये जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इसके संबंध में कोई जिक्र नहीं किया था। ग्वालियर में इंदौर की तर्ज पर पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी कर ली है, इसके लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। एडिशनल DGP का कहना है कि अब मध्य प्रदेश सरकार के अभियान के तहत ग्वालियर चंबल संभाग में किसी भी प्रकार की अड़ीबाजी करने वाले और अवैधानिक कार्यों में लिप्त सफेद पोशों माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। एडिशनल DGP ने साफ लहजे में माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अब उनकी किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर गैंगस्टर परमाल सिंह तोमर को पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया और उन्हें पुलिस की ओर से प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। हमारे जो DIG साहब हैं जिनका काफी रुचि है क्राइम सुपरविजन में, काफी गहरी पकड़ है, वो लगातार इस चीज को मॉनिटर करते रहते हैं और जो हमारे डायनामिक SP ग्वालियर हैं श्री नवनीत भाई सिंह, उनकी जो पूरी टीम है क्राइम ब्रांच की, उनका जो SOG है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, उसने इतना अच्छा ये काम जो किया है। 30,000 का इनामी कुख्यात बदमाश परमाल तोमर को ब्रीफ इनकाउंटर करके पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की टीम ने पकड़ा। प्रमोशन का एक सेट प्रोसीजर है, पुलिस अधीक्षक ग्वालियर और DIG साहब जिसको रिकमेंड करेंगे मैं उसको अनुशंसा करके भेजूंगा और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर पर दिया जाता है। निश्चित तौर पे अगर इसका प्रावधान है अभी खोला गया है तो जो हमारे कर्मचारी डिजर्व करते हैं उनको रिकमेंडेशन के आधार पे मैं स्ट्रांग रिकमेंडेशन करूंगा दिलवाऊंगा। मुंगावली के तलैया मोहल्ला में पुलिस ने नगर के सुरेंद्र जैन भगत के घर पर छापामार कार्रवाई की जिसमें पुलिस ने मौके पर 72,600 रुपये नगद और लगभग 5,00,000 की सट्टा पर्ची जब्त की है। सटोरियों पर पुलिस की काफी दिनों से नजर थी। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र जैन अपने घर पर ही बड़े स्तर पर सट्टे का कारोबार करता था जिसके बाद पुलिस के द्वारा पूरी प्लानिंग के तहत कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि सुरेंद्र जैन भगत के द्वारा अपने ही घर पर सट्टा खिलाया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देश में सर्च वारंट लिया गया और कार्रवाई की गई, जिसके बाद सट्टा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया। तलैया मोहल्ला
इंडियन गैस एजेंसी के पास रहने वाले सुरेंद्र जैन उर्फ सुरेंद्र भगत द्वारा काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में सट्टा काटा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने उपरांत श्रीमंत पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहादुरपुर एवं थाना मुंगावली की पुलिस टीम द्वारा दोनों टीमों द्वारा संयुक्त रूप से उनके घर पर रेड की गई है, जहाँ पर 72,600 रुपये नकद एवं लाखों रुपये की सट्टा पर्चियाँ एवं 2 मोबाइलों को मौके पर जब्त किया जाकर थाना मुंगावली में 622/19 धारा 3/4 द्रुत क्रीड़ा अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ग्वालियर कलेक्टर की जनसुनवाई में आया यह शख्स छोटेलाल बाथम है, जो भीतरवार तहसील के गांव इकहरा का रहने वाला है। सन 2000 में इसके पिता कालूराम बाथम को सरकार ने गांव से लगी 6 बीघा सरकारी जमीन का पट्टा दिया था, लेकिन उस पर एक पूर्व मंत्री के परिजनों ने अवैध कब्जा जमा रखा है। जब यह परिवार जमीन लेने पहुंचा तो उल्टे कब्जेधारी जंडेल सिंह, लक्ष्मण सिंह पवैया और उनके परिजनों ने उनको मारपीट कर भगा दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस ने फरियादी को ही आरोपी बना दिया। बाद में कमिश्नर कलेक्टर को भी इस पीड़ित परिवार ने शिकायत की। आज 19 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। दबंग खुलेआम जमीन पर फसल कर रहे हैं और इन्हें धमकाते रहते हैं। आज पीड़ित परिवार ने कलेक्टर के यहाँ फिर से गुहार लगाई। जनसुनवाई में सर जी, मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया है, सरकार की जमीन थी, मुझे पट्टा मिला था मेरे पिताजी को, तो पवैया ने कब्जा कर लिया है। पवैया जी पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया के परिवार के लोग हैं, खेरा में, और बिन्ने कब्जा कर लिया है, मेरे को मारपीट करते हैं, और मैं कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया है, कमिश्नर साहब ने आदेश कर दिया है, सब जगह से हो गया साहब, अभी तक मेरे को जमीन नहीं मिल पा रही। पुलिस में रिपोर्ट करी सर जी, और पुलिस वाले उल्टे मेरे को फरियादी बताते हैं। लक्ष्मण सिंह है, श्री कृष्ण सिंह है, लोगन सिंह है, जंडल सिंह है, ये 4 लोगों ने कब्जा किया है, और श्री लोगन सिंह है वो मास्टर है और सरकारी। कलेक्टर ने बताया कि इस तरह की शिकायत आई है, मामला गंभीर है, पहले भी यह मामला सामने आया था, इस पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगा। भीतरवार SDM को आदेश दिया है कि शाम तक रिपोर्ट देंगे, जो जल्द ही पट्टे की जमीन से कब्जा हटाकर हितग्राहियों को दिलाएगा। आज संबंधित SDM को बता भी दिया, वहाँ टीम भेज के कार्रवाई भी की जाएगी, उसमें हमने आदेश की कॉपी भी संलग्न करके SDM को बोला, उसमें कार्रवाई करके शाम तक सूचित कर। सिंगरौली में सब्जी मंडी फुटकर विक्रेताओं के समर्थन में व्यापार संघ अध्यक्ष राजा राम केसरी सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि सब्जी मंडी फुटकर व्यापारियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। जहां फुटकर सब्जी मंडी लगती थी, वहां अब प्रशासन चूड़ी फल जूते वालों को दुकान दे रहा है। यह गलत है, यदि हटाना है तो सभी को हटाएं। सैकड़ों की संख्या में फुटकर सब्जी व्यापारी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने SDM BP पांडे को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी के नेता रानी अग्रवाल ने कहा कि फुटकर सब्जी व्यापारियों को पुरानी सब्जी मंडी में लगाने देना चाहिए, क्योंकि बस स्टैंड के आसपास जो भी लोग रहते हैं उनको नई सब्जी मंडी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगी, जो एक हफ्ते से ये चल रही थी, लेकिन शासन प्रशासन ने हमारी जो गरीब बहनें हैं और वहाँ पे जो सब्जी मंडी लगाई जा रही थी, ना तो उनको कोई बताया गया कि हम यहाँ से हटा रहे हैं। अचानक ये निर्णय लिया गया, क्योंकि जिसको सब्जी मंडी में अगर वहाँ पे दुकान करनी थी, यहाँ पे पहले उनको बता देना चाहिए था कि वहाँ पे आपके लिए व्यवस्था की गई है। कोई व्यवस्था नहीं की गई है अभी तक, यहाँ पे भी वही भीड़ है जो बस स्टैंड है, और साथ में जो हमारी बहनें हैं ये इतनी दूर दूर से चलकर वहाँ पे आ रही हैं, और उनका जो 50-100 रुपये कमाना है वो भी उनका हक छीना जा रहा है। इसलिए मेरा कलेक्टर साहब से और शासन प्रशासन नगर निगम से निवेदन है कि इन बहनों की तरफ जिनका वहाँ पे हक है उनकी तरफ देखा जाए और वहीं पुनः उनको सब्जी मंडी लगाने का आदेश दिया जाए। हम लोग को दिए स्थान दिए, किसी जगह पर लगाओ, इसी जगह पर रहो, हम लोग कितना जाएंगे उसका यह करो, पहचाने आने के लिए तब तो ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, वहाँ सब्जी मंडी रहना चाहिए। हम लोग जाएंगे, कोई का छोटे बच्चे हैं, कोई का बड़ा है, कोई का नहीं है, हम लोग को कहाँ जाएंगे, हम लोग का मंदिर वहीं पे चाह रहे हैं। हैदराबाद में पिछले दिनों हुए वेटनरी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार कर जिंदा जलाने की घटना को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवाओं द्वारा अलग अलग तरीके से घटना का विरोध जताया जा रहा है। ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल और कॉलेज में पोस्टकार्ड अभियान चलाया, जिसमें ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग राष्ट्रपति से की गई है। मुरार के उत्कृष्ट विद्यालय से शुरू हुए इस अभियान में अभी तक 2,500 से ज्यादा पोस्टकार्ड लिखे जा चुके हैं।
छात्रों ने 10,000 पोस्ट कार्ड लिखने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वे स्कूल, कॉलेज और शिक्षकों के पास जाकर अपने अभियान को गति दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनके अभियान से लोग जुड़ रहे हैं। हैवानों को उनके किए की सजा जल्द से जल्द मिलेगी, इसके लिए सभी इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रियंका की जो हत्याकांड हुआ है हैदराबाद में, उसको लेकर के कैंडल मार्च तो सभी लोग करते हैं। ऐसा एबीवीपी मुरार के कार्यकर्ताओं ने ऐसा प्लान बनाया कि हम लोग क्यों ना पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति के नाम भेजें। तो आज लगभग 2,500 के समथिंग पोस्ट कार्ड सारे स्कूलों में, कोचिंग्स में और जितने भी महाविद्यालय हैं मुरार में, उनमें सबने हमने मिलकर के पोस्ट कार्ड उनसे बच्चों से और प्राध्यापकों से, टीचर से, प्रिंसिपल से, सबसे लिखवाया है, कोचिंग से लिखवाया है। और हमारी यही मांग है कि दोषियों को फांसी होना चाहिए और जो बलात्कारियों के लिए ऐसा कड़ा सा कड़ा कानून बनाना चाहिए कि आगे चल के वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ करने से पहले सोचें और जो बलात्कारी है उनको भी चौराहे पर फांसी दें, जिससे आगे के लिए एक उदाहरण पेश हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।